अक्सर शांत स्वभाव से अपना काम करने वाले सांसद शंकर लालवानी ने उस वक्त अपना रौद्र रूप दिखा दिया जिस वक्त वो बंगाली चौराहा फ्लाईओवर की डिजाइन में हुई गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। वहीं भोले भाले सांसद शंकर लालवानी का यह रौद्र रूप जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बंगाली चौराहा फ्लाईओवर ब्रिज की डिजाइन में हुई गड़बड़ी। गड़बड़ी को लेकर सांसद शंकर लालवानी ने ली अधिकारियों की बैठक। बैठक में सांसद शंकर लालवानी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ ही दे डाली सख्त चेतावनी। अपने शांत और भोले भाले अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सांसद शंकर लालवानी ने रेसिडेंसी पर अधिकारियों को अपना रौद्र रूप दिखा दिया जिसे देख न सिर्फ अधिकारी बल्कि जनप्रतिनिधि भी हैरान रह गए। सांसद लालवानी का यह रूप देख थोड़ी देर के लिए बैठक मानो सन्नाटे में बदल गई। जहां अधिकारी नीचे मुँह कर सांसद जी की फटकार सुन रहे थे तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हाड़िया, बीजेपी नेता मधु वर्मा और उमेश शर्मा भी सांसद जी का गुस्सा देख हैरान रह गए। जरा आप खुद ही देखिए कि आखिर कैसे बैठक में सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों को दिखाया अपना रौद्र रूप। कलेक्टर और कमिश्नर हमसे पूछते हैं, कलेक्टर और कमिश्नर हमसे पूछते हैं, पूछना आप चाहिए अगली बार ऐसा हुआ तो हम किसी कार्रवाई करेंगे। जब हम कोई प्रश्न उठाते तो हमारा समाधान होना चाहिए कि सीधे हमारे प्रश्न के बाद ही आप फर्नीचर के लिए चले जाते हो। ये तो उनकी सहजता है कि हमसे बात करते हैं, उनका व्यवहार थोड़ी है। पॉलिटिकली ब्रिज भाव उठता है क्या, ब्रिज भाव उठता है क्या? फिर भी उन्होंने हमसे पूछा कि ये परमिशन देना कि देना, यानी मना करने के बाद वो परमिशन के लिए लेना लगा है। कलेक्टर और कमिश्नर हमसे पूछते हैं, कलेक्टर और कमिश्नर हमसे पूछते हैं, पूछना आप चाहिए अगली बार ऐसा हुआ तो हम किसी कार्रवाई करेंगे। जब हम कोई प्रश्न उठाते तो हमारा समाधान होना चाहिए कि सीधे हमारे प्रश्न के बाद ही आप परमिशन के लिए चले जाते हो। ये तो उनकी सहजता है कि हमसे बात करते हैं, उनका व्यवहार थोड़ी है। पॉलिटिकली ब्रिज भाव उठता है क्या, ब्रिज भाव उठता है क्या? फिर भी उन्होंने हमसे पूछा कि ये परमिशन देना कि देना, यानी मना करने के बाद वो परमिशन के लिए लेटर लगा है। वहीं अधिकारियों को फटकार लगाने और सख्त चेतावनी देने को लेकर खुद सांसद शंकर लालवानी ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। देखिए पीडब्ल्यूडी का एक अपना विभाग है और आज भी मैंने एक नाराजगी व्यक्त की है कि वो ए बी रोड पे जो एलिवेटेड की बात है उस पर मैंने कड़ी आपत्ति भी की और बहुत नाराजगी भी व्यक्त की, क्योंकि ए बी रोड पर BRTS को जो बात आ रही थी एलिवेटेड ब्रिज बनाने की, हमने देखा कि उसको उन्होंने पूरी डिजाइन चेंज कर दी। मेरा ऐसा मानना है इंदौर के जनप्रतिनिधियों के साथ, इंदौर के तकनीकी लोगों के साथ, जनता के साथ बैठकर हमने जो डिजाइन बनाई थी उसी प्रकार पे होना चाहिए। उन्होंने पूरा परिवर्तन कर दिया। आज मैंने घोर आपत्ति ली और ये आपत्ति मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कही थी और इसी आपत्ति को प्रदेश सरकार के जो PWPS है वो आए थे मिलने थे, मैंने उनको बताया था क्या क्या समस्या आने वाली है और उसी को लेकर 18 तारीख को PS इंदौर आ रहे हैं, सभी अधिकारी इंदौर आ रहे हैं, हम सभी जनप्रतिनिधि और तकनीकी लोग बैठकर उसमें निर्णय लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भोले भाले सांसद शंकर लालवानी ने अपना रौद्र रूप दिखाकर अधिकारियों को इस बात का इशारा जरूर दे दिया कि आने वाले समय में कोई भी उन्हें हल्के में ना ले। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।